कौन बनेगा मेयर शो में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 17 में हैं। वार्ड पार्षद सुनील केन इस वक्त हमारे साथ में हैं। चिकन सुपर एक्सप्रेस डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। वार्ड के अंदर हम घूम रहे हैं। भाजपा की सरकार टाटा पावर को लेकर आ गई। टाटा पावर का काम वार्ड में कैसा है? टाटा पावर शुरू में तो अच्छे काम किए थे उन्होंने, लेकिन अब जैसे जैसे ये परिपक्व होते जा रहे हैं, पब्लिक पर मार मारते जा रहे हैं। अब कोई भी अगर नया कनेक्शन लेता, अगर पोल नहीं है, पोल का पैसा ले रहे हैं, पूरा तार का पैसा ले रहे हैं, और जितनी दूरी उसकी दूरी है तार की मीटर तक, उसका भी पैसा ले रहे हैं। तो एस्टिमेट किसी का 20,000 आता है, किसी का 22,000 आता है, तो वो परेशानी तो झेल ही रहे हैं। तो टाटा को ये कॉस्टिंग जो आप बता रहे हैं, ये कॉस्टिंग खुद भुगतनी चाहिए या फिर EVNL से लगवानी चाहिए? नहीं, पहले जब गवर्नमेंट कर रहा था, गवर्नमेंट खुद लगाती थी, तो उनको इसी नियम में देना चाहिए था इनको वापस। कि आप भी अगर किसी को कनेक्शन देंगे, पोल नहीं है तो पोल लगा कर दोगे आप, तो वो चीज़ तो कर ही रहे हैं, ये तो पैसा ले रहे हैं। अब इनका तो पैसा कमाने का समय आ गया इनका, जो 2-3 साल इन्होंने करना था तो इन्होंने कर दिया। अब ये हर चीज़ में पैसा ले रहे हैं, हर चीज़ का पैसा ले रहे हैं, लेकिन सरकार सुविधा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब मैं पांडे साहब से करीब तीन चार बार मिल करके आया, तीन महीने तक उनसे मैंने बात की। मेरे तार लटके हुए हैं गलियों के अंदर, जो तार लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, उनके वो मीटर लगाने हैं, क्या लगाना है, उनको देखकर भी गए वो, लेकिन आज तक कुछ करके नहीं गए। झाड़ी भी काटनी थी, झाड़ी भी नहीं कटाई, वो मैंने खुद ने कटाई। अच्छा, अब तो आपकी सरकार आ चुकी है, कांग्रेस की सरकार आ चुकी है एक साल से, टाटा की सुविधाएं तो लगातार बरकरार है, दी जा रही है शहर को, कभी कोई शिकायत सरकार से टाटा के खिलाफ? काम तो देखो, टाटा जब से आया है लाइट का तो अच्छी व्यवस्था हो गई है, लाइट तो जा नहीं रही, और जैसे कंप्लेन करते हैं तुरंत आ जाते हैं वो, ये तो अच्छी सुविधा हो गई। सुविधाएँ तो टाटा दे रही है। सीवरेज को लेकर आपके वार्ड में क्या स्थिति है? सीवरेज तो एक तरह से यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। चिकन सुपर एक्सप्रेस डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। जो यहाँ पर आए, क्या हो गया? बहुत गंदगी होती है, बीमारी, मच्छरों की बीमारी। मैंने कहा था आपको, सबको ही कहा था कि आप एक समय मेरे को बता दो कितने समय कचरा, मैं गाड़ियाँ एक घंटा खड़ी कर दूँ तो इसको ना हटवा दो साहब, क्या कैसे बैठो आप? नहीं तो ये हटेगा, ये तो हटा हुआ है, आप डालना बंद कर दो हट जाएगा। तो हम तो डालना बंद कर देंगे साहब, तो आप मेरे को समय बता दो इतने समय हमारा कचरा निकलता है, मैं गाड़ी खड़ी करा दूँ। 10-11 बजे निकलता समय, और ज्यादा और कोई लफड़ा नहीं है, और एक शाम को 12 के बीच में जो है डलवा दीजिए ना आप, तो यहाँ तो कोई डालेगा ही नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ तो बहुत गंदगी है, समझ लो कि बीमारी है एक तरह से। यहाँ बरसात भी आ गया ना, बहुत कीचड़ हो जाएगा, आदमी रेड खड़ा नहीं रहते हैं, बारिश आती है ना तो गाड़ी एक भी नहीं निकल पाती, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे भाई साहब। ये कचरा तो वार्ड के लोग ही डालते हैं? जी जी, वार्ड के डालते हैं। कोई डिपो नहीं है आपके यहाँ पे? डिपो नहीं, कोई डिपो नहीं, आगे है डिपो, ये 2 मिनट थोड़ा सा ये पुलिया के पास, बस चाहते नहीं लोग। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि एक डिपो यहाँ पर भी तैयार हो जाए? जी जी जी, नहीं गाड़ी आ जाओ, सबसे बड़े वेस्ट हमारे, गाड़ी आ जाए तो सबसे बेस्ट है ना, डिपो कोई जरूरी भी नहीं, जरूरी नहीं है अपन को डिपो ना, तो डिपो की कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं होगी ना। गाड़ी रोज आती है, 2 गाड़ियाँ सुबह लग जाओ 11 बजे, 9 बजे और 11 बजे, और एक शाम को लग जाओ, बाकी कोई कचरा नहीं पटकेंगे। हम बहुत परेशान हैं, गाड़ी की होनी चाहिए, मैंने तो गाड़ी होगी तो हम डालेंगे नहीं। अच्छा, एक समस्या तो ये आ गई वार्ड में, आपके और कौन सी समस्या है? पार्षद साहब सामने खड़े हैं आज, आपके कोई परेशानी नहीं, बाकी तो एक नंबर है। हाँ जी, कुछ भी समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमारे को, कोई लाइट की है, नहीं कोई पानी की है, नहीं कोई मर्जा उसकी है, कोई बात की नहीं है ऐसी कोई दिक्कत। हमारे ऐसा है, तुम छोटा बच्चा ही फोन करेंगे, कैसा भी बात हो गया तो बेचारा आ जाएगा। वार्ड की तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, और आगे परेशानी नहीं,
मेंबर इनको बनाना है। अच्छा, हमको तो जनता से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनके परिवार से मेयर के दावेदार भी होने वाले हैं। हम जो जरूर है नहीं, इनका परिवार में हो गया तो बाकी ये कह देंगे हमारे को कि ये उनको वोट देना है तो देंगे। केन साहब का लागत पता नहीं आलेगा। ये बचपन से हम देख लो, देख रहे 20-25 साल हो गया, ये 4-5 बार हो चुके ना इस अपने एरिया से, तो इन्हीं को लोग विश्वास करते हैं। तो भरोसा कायम है अभी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, भरोसा तो कायम है ही है। एक से लेने मोर लगाए हम तो मोर इनके ऊपर, इनसे पार्टी से मत लेना देना नहीं, अपन से अपन इनको खास इनको चेहरा देख के देते हैं, इनसे पार्टी से अपने से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं। हम बीजेपी है, हम बीजेपी है, पूछ लो इनको, हम बीजेपी है। लेकिन ये है सामने बीजेपी है, मगर हम इनको कांग्रेस, हम इनको वोट देते हैं, इनको इनको चुनाव में वोट आप इनको देते हैं, इनको देते हैं, भले किसी भी पार्टी से खड़े हो, किसी भी पार्टी से खड़े हुए, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो चाहे निर्दलीय हो, हम जो केंद्र साहब खड़े हो गए तो वहीं हमारा। देखिए कौन बनेगा मेयर शो में, लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है कि किसी भी राजनीतिक दल से शख्स की एक अपनी पहचान है, भरोसा है पार्षद के ऊपर कि अगर वो दोबारा से खड़े होते हैं, उनके परिवार से कोई खड़ा होता है, तो यहाँ की जो वार्ड की जनता है वो उनको जिताने के लिए तैयार है। चलिए आगे भी आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। सीवरेज को लेकर आपके वार्ड के अंदर क्या स्थिति है? सीवरेज तो एक तरह से नासूर है। हमारे वार्ड में सीवरेज डली हुई है, उसके साथ अगर कोई पाइपलाइन डल गई तो सीवरेज को तोड़ते हुए क्रॉस करते हुए पाइपलाइन डली हुई है, तो ये स्थिति है कि यहाँ का पानी वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ का पानी आगे नहीं जा रहा। इस चक्कर में क्या लोगों ने कनेक्शन लिए नहीं है, और जिन्होंने ले भी लिए हैं तो बहुत परेशान हो रहे हैं। वो ओवरफ्लो आए दिन, ओवरफ्लो। सदन के अंदर इस बार सुनील केन ने कौन कौन से मामले उठाए थे? सदन में हमने देखो स्मार्ट सिटी का तो था ही, उठाया था, सीवरेज का भी उठाया था, जो मिसिंग लैन है सीवरेज की वो भी डाली जाए, कई गलियाँ अब ये जैसे आप देख रहे हो पहाड़ गली, छोटी छोटी गली है, अब मेन रोड में इन्होंने सीवरेज डाल दी, लेकिन जो छोटी गली आ रही है यहाँ पाइपलाइन है नहीं, तो जनता इसलिए कहती है कि यार हम सीवरेज कनेक्शन ले कैसे लें। इन्होंने कहा था प्रॉपर्टी चैम्बर हम बनाएंगे, अभी तक प्रॉपर्टी चैम्बर बनाए नहीं। मेयर साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था यार सीवरेज का काम ऐसा है, हम दो दो वार्ड कम्प्लीट करके फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले दो वार्ड कम्प्लीट हो जाएंगे फिर दो नेक्स्ट ले लेंगे, तो हमारा जो नंबर आएगा वो 4-5 साल बाद ही आएगा। अच्छा, सीवरेज के कोई शुल्क भी लोगों के जुड़ के आ रहा है आपके वार्ड में या नहीं? देखो जहाँ सीवरेज है वहाँ तो शुल्क आ ही रहा है, और जहाँ नहीं है वहाँ भी आ रहा है, तो मैंने क्या है वो जो जहाँ नहीं है सीवरेज तो वो उनके सबके कटवा दिए, कभी कभी कुछ लोग रह गए हैं तो कटवा दिए जाएंगे। अच्छा चलिए, सदन में इस मरतबा बहुत एक मुद्दा उठा था जो चर्चा का विषय रहा, लिफाफा कांड। कहा गया कि सभापति महोदय मेयर साहब तमाम पार्षदों को लिफाफा देते हैं, और चंद्रेश सांकला ने कबूल किया बाहर कैमरे के ऊपर कि हाँ उन्होंने भी लिफाफा लिया। ये लिफाफे कांड का सच क्या है, क्या वाकई कोई लिफाफा मिलता था? कोई तो बीजेपी वालों की आपस की गुटरगु है, क्या है क्या नहीं है, मुझे तो ये काल्पनिक लगता है। चंद्रेश सांकला का कोई काम होगा तो मेयर साहब ने नहीं किया होगा, या वालिया चंद्रशेखर इनका आपस का कोई लफड़ा है उसको लेकर के क्या नाम इसका चंद्रेश सांकला ये अलग थलग पड़ गया। एक बार हमारे पास भी आया था वो, यार मेरी मदद करो और इस मामले में ये वो, तो मैंने कहा यार आप दोनों बीजेपी के पार्षद हो, दोनों ही नगर के पार्षद हो, दोनों की लड़ाई में हम क्यों बोले आपके बीच में, फिर मैं ऐसे उठा दूँगा आपके खिलाफ, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मैं तेरी इच्छा जो कुछ कर ले, तो ये लिफाफे वाली जो काल्पनिक है कोई ऐसा कुछ हमें तो नज़र नहीं आता, कोई इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। अच्छा, वार्ड की जो आम सभा होनी थी नगर निगम की, उससे पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में पार्षदों की कुछ रणनीति तैयार हुई थी। कहा गया कि शहर अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि भाजपा के वोट को घेरा जाएगा, कोई वाकई रणनीति तैयार हुई थी का? क्योंकि सदन के अंदर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि कांग्रेस के पार्षदों ने किसी प्रकार से भाजपा के वोट को घेरा हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई खास शहर अध्यक्ष की तरफ से नहीं बोला गया था ना, उन्होंने यही कहा था कि आप अपनी समस्या उठाएं। तब जो हमारी वहाँ बात हुई थी, हमने जो समस्या बताई थी,
तो मैन तो उन्होंने ये कहा था भाई स्मार्ट सिटी के लिए आप क्या करोगे, तो हमने कहा भाई हम तो बोल लेंगे स्मार्ट सिटी के, तो क्या आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे क्या? क्योंकि स्मार्ट सिटी सिर्फ 13 वार्ड के अंदर हो रही है, और हमने जैसे दक्षिण को तो इनको बिल्कुल अनीता बदलने में ध्यान दिया नहीं सर। जब स्मार्ट सिटी का चल रहा था तो अनीता बदल MLA थी, ये मीटिंग में बैठी हुई थी, ये चाहती तो कुछ भाग दक्षिण का भी स्मार्ट सिटी में ले सकती थी, पर इन्होंने कुछ भी प्रयास इसके नहीं किए। कह रहे हैं विधायक ने प्रयास नहीं किए इसलिए स्मार्ट सिटी के वार्डों में दक्षिण को शामिल नहीं किया, नहीं किया गया। नहीं तो कम से कम कुछ एरिया लेकर, आप ये देखो दक्षिण क्षेत्र अधिकांश SC ST बाहुल क्षेत्र है सर, यहाँ चंद बधाई नगर को छोड़ करके देखो तो कोई पार्क नहीं, जनता घूमने जाती तो सारी सारी सुभाष उद्यान इधर ले लीजिए, इधर इस साइड, इधर ले लीजिए, इस तरफ ले लीजिए। तो दक्षिण में देखने के लिए क्या, आप गवर्नमेंट कॉलेज के आगे जाओ तो आपको हरी बत्ती लाल बत्ती कोई नहीं मिलेगी, एंड तक सुपड़ा साहब है, मतलब डेवलप के नाम पर दक्षिण क्षेत्र बिल्कुल ही बहुत पीछे है, दक्षिण का क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आपके हेमंत भाटी आपके नेता दक्षिण से चुनाव हार गए, उनका जो शुभचिंतक है उनका मानना है कि पार्षदों ने सहयोग नहीं किया जिसके चलते दक्षिण से उनको हार का सामना करना पड़ा, वाकई ऐसा है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो हेमंत भाटी जो राजनीतिक के आदमी नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114482312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। जब काम पड़ता है तब तो हमारे पास आकर के यार ये काम करना वो काम करना है, काम निकलने के बाद ये तो कच्चे कानों के बहुत हैं वो। अच्छा, कोई भी कुछ कान में कहते हैं फुसर फुसर तो वो उसके विरोध में खड़े रहते हैं। आदमी जो परिपक्व होना चाहिए उसको जो वो तो है नहीं वो। अच्छा, राजनीति में क्या होता है साहब, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। मेरे से काम करा रहे हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं है इसमें, वार्ड के अंदर आ रहे हैं पार्षद को साथ नहीं ले रहे हैं, फिर आप मीटिंग में आपको यहाँ बुलाया जा रहा है तो आप सिर्फ पूरे 17 दिन में 1 घंटे के लिए आप आ रहे हैं पूरे वार्ड के अंदर, तो आप कहाँ से जीतोगे? पार्षदों की अनदेखी भारी पड़ी। अनदेखी नहीं, खुद की जो मतलब क्या होता है जब आदमी चुनाव लड़ता है ना तो 17 दिन तो खाना पीना ऐसो आराम सब कुछ भूल जाता है, वो सिर्फ इसी में लगा रहता है कि मुझे वोट कैसे लेने हैं, किसको बनाना है, कौन दुखी है, क्या है कैसे। अगर आप वार्ड में नहीं आओगे और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दोगे कैसे काम चलेगा? जनता तो चेहरा देखना चाहती है, भाई जो MLA हमारा आ रहा है उसको एक बार हम देखें, उसे बात करें। अब अगर आप उनसे नहीं मिलोगे कैसे काम चलेगा? आपके इलाके में वार्ड में नहीं आए थे क्या आए? पूरे मैं कह रहा हूँ 17 दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए आए थे मात्र। चलिए, हेमंत भाटी को इस कार्यक्रम को देखना चाहिए कि उनकी हार के पीछे का एक जो बहुत बड़ा कारण था जिसकी सुगबुगाहट शहर में इन दिनों चल रही है कौन बनेगा मेयर शो में, कई पार्षद है कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके जो नेता हैं वो उनको कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर सरकार इस समय कांग्रेस की है, इसीलिए ये सवाल भी बन जाता है कि उनके जो नेता हैं जो नेतृत्व हैं लीडर हैं वो आखिरकार कितना सहयोग लोकल बॉडी है पार्षदों को करते हैं, उसमें गंभीर बात निकल के आ रही है। इससे पहले भी हमने कई पार्षदों से चर्चा की थी। अच्छा, लेकिन कई चर्चाओं में हमको ये भी बात सुन में आई कि हेमंत भाटी कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर कुछ ना कुछ मदद तो कर देते हैं। मदद तो देखो उनके फादर के समय से होती आ रही है, मदद करना एक अलग चीज़ है, एक पब्लिक से जुड़ना वो अलग चीज़ है। मदद तो आप जैसे आप मदद कर रहे हो तो आपके को देने के लिए कुछ है इसलिए आप मदद कर रहे हो, और वो मदद पब्लिक में बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, मतलब किसी गरीब की शादी कराना बहुत अच्छी चीज़ है, गरीबों को शिक्षा के लिए जो लाइब्रेरी खोली फ्री किताबें देना ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक पब्लिक जनता से जुड़ के चलना साथ में वो उसका अभाव है उनके अंदर, उसका अभाव है। अच्छा, महेंद्र सिंह ने लापता कैसे नेता है? क्योंकि हेमंत भाटी पे तो लगा दिया आपने आरोप।
आरोप नहीं लगाए, मैंने उनकी जो सच्चाई है मतलब वो सच्चाई अगर वो सुने तो इस चीज को अपने उसको अपनाएंगे तो बदलाव की कोशिश बदलाव कोशिश करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए जब उनको ये पता था कि 5 साल पहले ही कि पायलट साहब ने मेरी टिकट फाइनल कर दी है, तो आप 5 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 साल आदमी 7-8 दिन में चुनाव जीत जाता है, तो 5 साल में आपने यही पता नहीं करा कि यार ये भाग एक नंबर कहाँ से कहाँ तक है, इसमें आपने पहले कितने वोट से अपन हारे थे, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, वो आपने कुछ भी नहीं किया इसमें। तो जो भी अगर चुनाव लड़ता है तो पहले सबसे पहले 180 भाग है तो 180 भाग को दिमाग में लेके चलता है कि ये 180 भाग कौन सा कहाँ से कौन है, मेरे कार्यकर्ता कौन है, कौन इसको संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है, वो चीज़ स्टडी तो करनी पड़ती है जीतने के लिए, तो फिर मुश्किल हो जाता है। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Mahinder Singh Ralapta kaise neta hai? Mahinder Singh Ralapta bhi achche neta hai. वो ज़्यादा बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं वो। कौन बनेगा मेयर शो में आपने जो हिमंत बाटी के लिए सुझाव दिया, ये सुझाव सुनकर कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्षद टिकट कांग्रेस पार्टी से आपका डगमगाने की स्थिति हो जाए? नहीं, डगमगाने वो तो जैसे हिमंत बाटी जी आ रहे थे, वो तो जब से कह रहे हैं इनको टिकट नहीं देंगे। अच्छा, तो टिकट तो ऊपर से मिलेगी। अब ये अगर हमें टिकट नहीं देंगे जो जीतने वाला कैंडिडेट, तो किसको देंगे? सबसे पहले तो जीतना है। मेयर बनने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि 80 वार्ड में से कम 40 से ऊपर ही आपको सीट लानी, कोई आप बनोगे नहीं तो कैसे बनोगे। सुनील के इनका दावा है कि दोबारा से नगर निगम के चुनाव में वापस से उनके परिवार से कोई ना कोई निगम में इस बार जाएगा। किनके परिवार से? आपके परिवार से आप दोनों जाने वाले हैं या सिर्फ अपनी पत्नी को ही इस बार भेजेंगे? देखो, वार्ड जो मेरा एक वार्ड के दो टुकड़े हुए हैं, 23 और 22। अगर हम चाहें तो दोनों जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। या तो हम उसको लड़ाएंगे, अगर लॉटरी के ऊपर अगर महिला हुई तो वाइफ को लड़ाएंगे, नहीं तो मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा, दोनों की उम्मीद नहीं है, दोनों नहीं लड़ेंगे, एक ही लड़ेगा। चलिए, एक ही जना इस बार नगर निगम के चुनाव में आएगा, कौन बनेगा मेयर शो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस लागत से कितना काम यहाँ पर करा पाए। आगामी चुनाव के अंदर कौन कौन से मुद्दे लेकर मैदान में आने वाले हैं आप? तो आगामी चुनाव में तो अब जो वार्ड के अंदर समस्या बची है, उन समस्या को हम दूर करेंगे। और जैसे पार्क की बात आई, अब जैसे नाली सड़क तो करीब करीब हमारी करीब करीब वार्ड के अंदर कंप्लीट हो गई है, और भी बाकी जो 5 महीने इसमें करीब 40 से 50 लाख के काम और होने हैं, तो जो बचे हुए एरिए हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जब नए सीजन में अगर जीत गए वापस आए तो फिर हम पार्क वगैरह ये डेवलप करेंगे, पार्क, सीसीटीवी कैमरा और पानी की जो भी समस्या है, गंभीर जो समस्या है जो जिससे पब्लिक आहत होती है, उसको हम दूर करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, कार्यक्रम अंतिम चरण में है, जाते जाते एक बात और बता दीजिए, कौन बनेगा मेयर शो NPTV इंडिया का, कैसा लग रहा है? जब से आपका ये चैनल चला है, हकीकत में बहुत ही अच्छा चैनल है ये, क्योंकि आप पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आप प्रत्याशी को साथ में लेकर के वार्ड के अंदर घूम रहे हैं। नहीं तो आज से पहले जो भी सर्वे हुए उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा सर्वे हुआ है, तो मैं MTTV को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसलिए। और उससे पार्षद भी जागरूक हुए, जनता भी जागरूक हो रही है, जनता को पता लग रहा है कि भाई कैसे काम और होने चाहिए और हम पार्षद को कैसे काम ले सकते हैं, इसका फायदा मिल रहा है। चलिए, कौन बनेगा मेयर शो में, हम वार्ड नंबर 17 में थे, वार्ड नंबर 17 में हम घूमे, वार्ड नंबर 17 के बाशिंदों से हमारी बातचीत हुई, वार्ड पार्षद हमारे साथ रहे, उन्होंने बताया कौन कौन से काम उन्होंने अपने वार्ड के अंदर कराए हैं। बेहद दिलचस्प राजनीति बात भी हमने सुनील कैन से की, क्योंकि सुनील कैन और काकू ये दोनों मिलकर एक तरीके से सदन में पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से पुरजोर कोशिश सदन साधारण सभा के अंदर भी करते हैं, नगर निगम के अंदर भी करते हैं, अपने कई पार्षदों को राय भी देते हैं। आपके वार्ड में भी हम आने वाले हैं,
आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके वार्ड में पार्षद ने क्या क्या काम कराए हैं, कौन कौन से काम अधूरे रह गए हैं। वार्ड पार्षद को साथ लेकर आएंगे, इंतजार कीजिए कौन बनेगा मेयर शो का, बहुत जल्द आपके वार्ड में भी आने वाले। आज के लिए केवल इतना ही। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-42312.